मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज काम जीत काम ने जीत हासिल करा है या नाम में या नफरत आप, की, नफरत आप की क्या चीज जानना चाहती हैं बताइए तो हम बिल्कुल क्लियर बोले। दिल्ली वालों ने जिस तरीके से चुनाव का एक माहौल बनाया गया था यहाँ पर बटन दबाएंगे शाहीन बाग में, जैसे मैं बोलती जाऊँ और इसको हटाएंगी नहीं तब तो मैं बोलूंगी, अगर आप दो मिनट बाद किसी और को हटा देंगे एक मिनट के लिए बोलेंगे सिस्टम में नहीं बोलेंगी एडिट करके। हाँ मालूम है मुझे, वो तो होता ही है। आप लोगों ने जो इतना सवाल करा तो मैं चाहती हूँ मैं अभी यहाँ पर ही हूँ। नहीं नहीं एक मिनट मैं इधर ही हूँ। आप हमारे इंडिया फायर न्यूज अभी आप निकालिए सर, हम अभी जाएंगे कि वहाँ पर कितना एडिटिंग होता है हम देखना। आप okay, we'll see what नहीं नहीं प्लीज प्लीज सर प्लीज आप निकल, आप बिना बोले किसी के ऊपर भी ऐसे इल्जाम मत लगाइए। आप इसलिए मैं कह रही हूँ आप देखिए कितना एडिटिंग होता है। हाँ जी मैडम बताइए। हाँ क्वेश्चन आप पूछिए क्या है, मैं तो अभी इतनी देर में भूल गई ना पूछिए। मैम हम ये जानने के लिए आए हैं, आज दिल्ली में रिजल्ट आ चुके हैं आप सबको पता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी खुशियां मना रहे हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपने पूरा माहौल को जिस तरीके से करने की कोशिश की है, क्या दिल्ली वाले ने क्या दिखाया कि नफरत की राजनीति चला है या काम चल गया है? देखिए उन्होंने काम पहली बात तो क्या किया है, आदमी जब इलेक्शन जीता था तब से पाँच साल बाद ये इलेक्शन हुआ, ठीक है जी। उस 5 साल में बंदे ने 4.5 साल तो कुछ किया ही नहीं, कभी नजीब जंग नहीं कुछ करने देते थे तो कभी मोदी जी नहीं कुछ करने देते थे, ठीक है, कभी और कुछ नहीं करने देता था, क्योंकि जो है कांग्रेस तो 0 पे अपने आप ही उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि केजरीवाल को दे दो वोट, केजरीवाल को दे दो, ठीक है, इसलिए वो टोटल अब की 0 हो गई। लेकिन जहाँ पर ये है आप 4.5 साल बाद जो है जब 6 महीने रह गए तो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं महिलाओं को बसों में फ्री, क्यों भैया तुमने फ्री करा है? वर्किंग वीमेंस भी बसों में जाती हैं या मेट्रो में जाती हैं, ठीक है, अब सब मेट्रो छोड़ छोड़ के महिलाएं जो है बसों में सफर करने लग गई। सेकेंडरी ये कि आपको देना दिल्ली वालों ने तो आज 63 सीट दे दिया मैडम, वो दिया तो बेईमानी से है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से वो बेईमानी देखी है करते हुए। आप जो है ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में आप एक चेक कर रहे हैं, एक बार बटन दबा के प्रेस करके चेक कर लीजिए, दूसरी बार चेक कर लीजिए, हद से हद है 3 बार कर लीजिए, आप 1500 बार थोड़ी करेंगे, 1500 बार करने का मतलब क्या हुआ, एक ईवीएम मशीन पे 1500 टिकट अंदर पहुंच चुके, दूसरी ईवीएम में एक बूथ पे 4 ईवीएम मशीन लगती है, दूसरी पे भी आपने 1500 कर दिया, यानी टोटल 4 मशीन पे 6000। अब इस तरह से कितने जगह पे कितनी बूथों के लिए कितनी जगह हुआ है। दूसरी बात, बेईमानी से जब इलेक्शन लड़ने के लिए निर्दलीय लोग खड़े हुए उनका निर्दलीय का कैसे क्यों कैंसिल करा गया, 200 कैंडिडेट थे, 200 कैंडिडेट में तमाम सवाल है, मैंने यही कहा था आप काटेंगी तो आप पूरे तमाम सवाल बिल्कुल सही है अरविंद, टाइमिंग नहीं है, मैं सबका बोल रही हूँ, सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ, आप पूरा लगा के सुनिए नहीं तो फिर आप मेरा हटा दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर के वहाँ पे चैनलों में वहाँ बोलूंगी। दूसरी बात मैडम, सारे मेरे पक्ष में सारे बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगी, ठीक है। दूसरा ये था अरविंद केजरीवाल ने कौन से जो है राकेश दहिया को वहाँ से क्यों बुलवाया था, वहाँ से बुलवा के यहाँ पे AC-40 के उस पर क्यों बैठा, काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई काम नहीं है, सड़कें आप देख लीजिए, बेईमानी से जो है ये सारा काम रणनीति चली है इसके अंदर, पैसे पैसे दिए गए, पैसे पे खेल मैडम, ऐसा है कि अब कोई कुछ भी कहे, मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन अब रिजल्ट आया इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ही बड़ी प्रखंड जीत आई, 63 सीटें 67 के बाद 63 को रिटेन करना मैं मान लेता हूँ, जैसे भी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो फ्री की राजनीति चस्का जो लोगों को डाला है, अब ये इनको 5 साल तक इनको करना पड़ेगा, अगर ये इन्होंने 6 साल महीने में बंद कर दिया नशे की गोली है, हाँ तो ये इसको पूरा अपने वादों को पूरा करे और सेंटर गवर्नमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके साथ मिलके काम करें दिल्ली के लोगों के लिए। सर ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि लोगों ने बहुमत दे के जब जिताया, जब फ्री का सेवा है तो 5 साल तक रखना पड़ेगा, 20 में कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए नफरत की राजनीति की आपने बात की ना, वो तो शाहीनबाग में भी हो
रही है। अभी जो जीता है 70,000 वोटर से जीता है वो अमानतुल्ला खान, वो पोलराइज हो गया है पूरा। वहाँ पे किस तरह की बातें की जा रही है वो भी, उसको भी आप ध्यान रखिए। बोला तो गया, वो अच्छी बातें नहीं है। केजरीवाल हाथ में तिरंगा, ये है शाहीन बाग का, शाहीन बाग बनेगा। एक दिल में है गंगा और हाथ में तिरंगा। चलो लो, गांधी जी को लगाया था अभी सुबह सुबह, अभी शाह की फोटो थी उसपे, और ये कहा गया था तू हमें क्या करंट लगाएगा, दिल्ली में तुझे करंट लग गया तू हिंदुस्तान में भी करंट लगेगा। ये बातें करके भड़काना नहीं चाहिए लोगों को। संविधान को कुछ नहीं जानते वो लोग, संविधान लेके खड़े होते हैं कि वो वहाँ पे होते हैं। एटलीस्ट संविधान को तो उनको पता होना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, ये पहला समय मोदी का एक भी योजना नहीं है जो मुस्लिम को फेवर कर रहा हो या अगेंस्ट जा रहा हो। सारा उन्होंने एक जब भी वो बोल रहा है पूरे राष्ट्र को लेके, पूरे राष्ट्र को लेके बोलता है। पहली बार सुना राजनीति बदल रहे हैं। बताओ सर, थोड़ा सा बस मैडम यहीं तक आप थी, ये देखिए मैं नहीं नहीं सुनिए सुनिए, केजरीवाल जी चाहे हुक जीते हुए बाय क्रुक जीते हैं, जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई, लेकिन उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गिरगिट के तरह वो रंग नहीं बदले, बिकॉज वो बहुत ही सातीर आदमी है और वो गिरगिट के तरह हर पल रंग बदलते हैं मौका देखकर। कभी इस्लामिक टोपी भी पहन लेते हैं, कभी क्रिश्चियन भी बन जाते हैं, कभी हिंदू के जाकर ये हनुमान भी पढ़ने लगते हैं, समझे ना। जहाँ जो मौका चले चलाकर अपना सिक्का चमकाते रहते हैं। लेकिन उनसे यही कहना है कि देश सबों के लिए है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ दंगाबाजी लोगों को प्रश्रय नहीं दीजिए। देश को आतंक, ये भारत का जो राजधानी है यहाँ जो है आतंक का गढ़ नहीं बनाने दीजिए। जाली नोट का धंधा बंद कीजिए और नशा का धंधा बंद कीजिए जो ये चला रखे हैं। इन्हीं के इशारे में, इन्हीं के अंडर में सारा कुकर्म चल रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में पता है? नो 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 नो, लिसन 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 लिसन, दिल्ली हो रही है जितने समय की है आपको मिल जाएंगे वहीं पे। अभी मुझे रिपोर्ट है हाँ, और PFI जैसे आतंकवादी जो संगठन है जो पूरे वर्ल्ड से उनका लिंक है, उनके जैसे लोगों को प्रश्रय आपके खुलेआम कर रहे हैं कि मैं PFI के साथ हूँ, शाहीनवाद के साथ हूँ, टूटे टूटे गैंग के साथ हूँ। फैसले के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, फैसला तो चल गया जैसे नहीं नहीं, देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरीज हैज बीन मैनिपुलेटेड। हिंदी में बोले सर सब लोग। हाँ तो हिंदी में बोलना यही चाह रहा हूँ कि जो प्रशासनिक तंत्र है, जो दिल्ली का प्रशासनिक तंत्र है, उनको इन्होंने अपने मनी पावर से एल्योर किया, ऊ किया और उसको लुभाया और उनको अपने पक्ष में देकर, और कांग्रेस कांग्रेस ने अपना बलराग खोया। दिल्ली के लोग लॉलीपॉप पे बिक गए और अब दिए हैं तो 5 साल लॉलीपॉप को झेलना पड़ेगा। अच्छा 5 साल मुफ्त चाहिए आप देखिए, आदत पड़ गई है। देखिए अगर फ्री ही करना था तो 5 साल पहले करते, 2 महीना पहले फ्री करने का क्या मतलब? क्या मतलब फ्री का? तो सर तो लॉलीपॉप दे ना रहे हैं। आपने फ्री की बात बोली तो सबकी घोषणा पत्र में भी फ्री थी। अगर BJP आ जाते तो वो भी कह रहे थे फ्री देने के लिए, 2 रुपए किलो आटा के लिए भी बोल रहे थे। अरे पूरा पैसे की तो बोल रहे थे। देखिए एक मिनट, पैसे लेने के लिए बोल रही थी ना। कुछ भी हो घोषणा पत्र, BJP के घोषणा पत्र में फ्री का नहीं था मैम। BJP के घोषणा पत्र 5 गुना फ्री आप देख लीजिएगा एक बार। BJP के घोषणा पत्र में मैम 5 गुना फ्री नहीं है। क्यों नहीं थे सर? आप एक मिनट देख लीजिए। मैम इन्होंने 2 रुपए किलो आटा बोला है। हाँ आटा बोले थे। अच्छा नहीं नहीं, लेकिन आप बात को समझिए, उसकी बारीकी को जाइए। इन्होंने क्या किया है, 3 महीने तक जब इलेक्शन हुआ, आप सितंबर का पेपर उठा लीजिए, अगस्त का उठा लीजिए, अक्टूबर का उठा लीजिए, 5,000 करोड़ हम टैक्स पेयर का, हम जो GST इकट्ठा करके उनको देते हैं, हर महीने टैक्स भरते हैं, वो सारा पैसा गवर्नमेंट का, CAG का रिपोर्ट तो मेरे 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने अपनी पब्लिसिटी में अपनी आप हिंदुस्तान पेपर का रिपोर्ट नहीं मानते क्या? CAG का रिपोर्ट कह रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात सोचिए, वो एक भ्रम फैलाया गया जो ये तबका रेडी वाले हैं या इनमें भ्रम फैलाया गया जो लोग मतलब तबका उनको भ्रम फैलाया कि अगर BJP आएगी तो आप रेडी कहीं भी नहीं लगा सकते। जैसे CP है, केजरीवाल ने ये बोला आप पार्क में जाओ वहाँ पे रेडी लगा दो, जहाँ पे मन हो वहाँ रेडी लगा दो, अगर BJP आएगी तो आपके झुग्गी को उड़ा देगी।
आपका जो रेडी कहीं भी लगा रहे हो वो नहीं लगाने देगी, आपका जहां मन हो रहा है वहां पे कुछ भी कर दे रहे हो वो होने नहीं देगा। अनशन के नाम पे जो इम्प्लॉयमेंट हो रहा है, केजरीवाल ने आपने बोला कि ऐसे ऐसे बात बोले थे, एक मिनट सर मैं मुझे बोलने दीजिए, एक बार उन्होंने ऐसे बोले लेकिन बीजेपी वालों ने भी तो बहुत कुछ बोला है। बीजेपी वाले ने जो भी बोला देखे वो राष्ट्र बनाम वो दिखाया जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी दिखाया, पर इन्होंने जो डर दिखाया नहीं, देखे एक गरीब आदमी का जो बेसिक रहता है कि हेल्थ, हेल्थ को आप बोल रहे हो मोहल्ला क्लिनिक, पर कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक यहाँ गए हैं एक बार पूछो, कोई नहीं गया। ये रियल है, आपको खुद भी सोचो। सरकारी हॉस्पिटल में दवा मुफ्त में मिलती है, मैं बता रहा हूँ सरकार, किसी सरकारी हॉस्पिटल में मैं गया था, मैं बता रहा हूँ कौन से हॉस्पिटल में, जी अशोक नगर में मैं गया था, वहाँ जब मैं कंप्लेन नंबर में उसमें कॉल करी थी 1031 में, मैं कंप्लेन नंबर में भी कॉल करा था, बोला गया था कि आपका संज्ञान लिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके पास, मैं उसके बाद मेरे पास कुछ कॉल नहीं। मैम इनका शिकायत भी है, शिकायत भी है कि आप हॉस्पिटल गए थे लेकिन आपको मेडिसिन नहीं मिला, कंप्लेन भी करे थे, कब की बात है सर? जी आज से मैम 3 महीने पहले की, 3 महीने पहले, जी जी तो सर इस तरह जी 3 महीने पहले गए थे जी, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है ना? मैंने कंप्लेन भी करा था लेकिन कंप्लेन के बाद उसका कोई सुनवाई, कोई उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मैम मैंने पैसे से मेडिसिन लिया था, कोई फ्री में मेडिसिन नहीं। आप चाहते हो ऐसा देश बने जहाँ पे आपकी राजधानी में 80% लोग धरना पे बैठ जाए? अगर हम लोग सभी 500 रुपए कोई मंथली मुझे मतलब डेली दे रहा हो और मुझे बोले यहाँ में बैठे रहो 500 रुपए की जब बात कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे पता चला? नहीं नहीं ये वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया पहले इलेक्शन एग्जैक्ट नेम में मतलब न्यूज देख रहा था उसमें, मैं बता रहा हूँ मतलब इतना सेंसिटिव है। एक फ्लैट बेच के ये दिखाया गया कि एक आदमी फ्लैट बेच के शाहीन बाग पे वो खर्चा, पर बाद में पता चला कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन था PFI का ना AIMIM कुछ है उसका उसका था, वो फ्लैट बेच के ये दिखाया गया कि सेंसिटिव, पर कुछ और ही कहानी है। जब तक 500 रुपए डेली नहीं मिलेंगे, केजरीवाल को अगर विकास ही करना था तो 5 साल क्या किए? इलेक्शन के 6 चैनल में देख रहा था एनडी, मैं नाम ले लेता हूं दिल्ली वाला, एक मिनट मैं लास्ट क्वेश्चन में यही करूंगी, आप लोगों ने अपने अपने जो भी बात है अपने रखी, एक मिनट मैं बिल्कुल सुनूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ आज तो दिल्ली में फैसला सुना दिया दिल्ली वालों ने, ठीक है अभी दिल्ली वाले क्या चाहते हैं? मेडिसिन चाहते हैं कि जैसे NDTV पे दिखाया गया कि एक मुस्लिम लेडी बोल रही है कि उनका एक बच्चा मरा 4 महीने का तो क्या होगा, मेरे पास और 3 बच्चे हैं वो भी जाके धरने पे बैठेंगे। और इंटरनल बात ये है, केजरीवाल से मैं ये चाहता हूँ फैसला सुना दिया है, केजरीवाल जिस तरह अभी फ्री किए थे ये पूरे 5 साल फ्री चलना चाहिए, पूरे 5 साल फ्री। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली वालों ने आज रिजल्ट सुना दिया है फैसला, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी फ्री रखा है तो अगले 5 साल तक ये रखना चाहिए। और मेडिसिन भी इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि मेडिसिन नहीं तो इलेक्शन फिर से होना चाहिए अगर फ्री नहीं रहा। इन लोगों का ये भी कहना है कि जिस हॉस्पिटल में जाते तो मेडिसिन नहीं मिलते दावा हो रहा है, तमाम तरीके की बातें जो इनका था हम आप तक पहुँचाए, लेकिन आज दिल्ली वालों के दिल में क्या था दिल्ली वालों ने सुना दिया है। देखना यह है कि जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेगा अगले 5 साल या नहीं करेगा। नया मुद्दे के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, नमस्कार।